हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सिक्स क्लास हिस्ट्री का एट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, ज़रूरी गांव एंड फ्लरिशिंग यानी कि फलते फूलते टाउन्स शहर। तो विलेजेस ऑब्वियसली किसी भी, जैसे कि हमने जनपद महाजनपद पढ़े, किसी भी किंगडम के डेवलप होने में बहुत ज़रूरी है। आज भी कहा जाता है कि देश की जो डेवलपमेंट है उसमें विलेजेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अभी एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोगों को विलेजेस से ही मिलते हैं। और लेकिन इस टाइम पर टाउन्स जो है, शहर है, वो भी बहुत फ्लरिश हो रहे थे। जो कैपिटल्स थी हमारी महाजनपद की, हमने देखा किस तरीके से आर्टिसंस लोग वहाँ पर रहते हैं। तो बाकी डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे किस तरीके से किन 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 चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल था विलेजेस में और टाउन्स में। सो लेट्स बिगिन नाउ। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रभाकर एट ब्लैकस्मिथ्स शॉप। प्रभाकर लोहार की दुकान पर। ब्लैकस्मिथ या स्मिथ्स हम उनको बोलते हैं जो लोहे का काम करते हैं। सो प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। एक लोकल शॉप पर बैठकर प्रभाकर जो है वो स्मिथ्स को उनका काम करते हुए देख रहा है। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच, वहाँ पर एक छोटी सी बेंच है, ऑन विच आयरन टूल्स, जिसके ऊपर आयरन के लोहे के कुछ टूल्स रखे हुए हैं, औजार रखे हुए हैं, जैसे कि एक्सेस यानी कि आपका जो कुल्हाड़ी होती है, एंड सिकल्स जिसे आप हसिया या दराती बोलते हैं, ऐसी कुछ होती है, ये लोहे का होता है फसल काटने के लिए, और ये लकड़ी का होता है पकड़ने के लिए। वर लेड आउट, ये इसके ऊपर रखे हुए हैं रेडी फॉर सेल, बेचने के लिए। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक तेज़ आग वहाँ पर जल रही है। एंड टू मैन, दो आदमी, वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इंटू शेप, वो मेटल की रोड को, लोहे की जो रोड है उसको गर्म कर रहे हैं और फिर पीट रहे हैं। इसी तरीके से शेप दी जाती है लोहे को, पहले गर्म किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर पीट के जो भी शेप आपको देनी है बीट करके वो दी जाती है। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, वहाँ पर बहुत गर्मी है और बहुत नॉइजी भी है, शोर भी बहुत आ रहा है। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार है ये देखना कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, इसी के साथ हम बात करते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की, कि किस तरीके से लोहे के औजार और खेती, इनका आपस में रिलेशन है। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, आजकल हम लोग लोहे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, स्टील या लोहे की जो चीज़ें बनी हैं, आर अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ, लेकिन ये जो है हमारी डेली लाइफ का ही एक पार्ट है। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Indian subcontinent में लोहे का जो use होना शुरू हुआ वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। Some of the largest collections of iron tool and weapons were found in the megaliths burial. और सबसे ज़्यादा जो use मिला है इसका, different tools का, लोहे के बने हुए weapons का, औजारों का, वो actually burials में मिला है, कब्रों के आसपास मिला है, about which you read in chapter 4, जिसके बारे में हमने chapter 4 में पढ़ा भी है। वहाँ पर बरियल्स में, जहाँ पर कब्रें हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोहे की चीज़ें हैं, औजार हैं, वो मिले हैं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, देर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, इनका जो आयरन टूल्स का, लोहे के जो औजार है, इनका यूज़ किस तरीके से ग्रो हुआ, कैसे इनका यूज़ बढ़ने लगा, उसके भी एविडेंसेस मिलते हैं कुछ। देर दिस इंक्लूड्स एक्सेस फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट, जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी यूज़ की जाने लगी, एंड आयरन प्लॉशियर, और लोहे के जो हल है वो भी इसमें शामिल थे। एज वी सी इन चैप्टर 5, द प्लॉशियर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे कि आपने देखा कि प्लॉशियर जो है लोहे का जो फाल होता है, जिसमें कि जिसको प्लॉ में, हल में यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा फसल पैदा हो। ओके, तो यानी कि धीरे धीरे, अब पहले मेगालिथ्स में अगर हम टाइम की बात करें, जब पत्थर का टाइम था, जो औजार थे वो पत्थरों के बने होते थे, तब लोहे का ज़्यादातर यूज़ बरियल्स में देखा गया, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, मिट्टी वगैरह खोदने के लिए यूज़ किया जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी, इसके एग्रीकल्चर टूल्स जो हैं वो भी इसके बनने लगे। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं, आयरन टूल्स, ये तीन जो पिक्चर्स हैं, सिकल, ये सिकल है दराती, इसमें यहाँ से पकड़ने के लिए अगर आप बना दें तो ये काटने के लिए होता है, हालांकि काफ़ी ब्लंट हो गया है अभी, क्योंकि बहुत पुरानी है। नेक्स्ट है टोंग्स, टोंग्स ये हैं आपके फर्स्ट इसमें, एंड सेकंड है एक्स, ये एक्स है, इसमें यहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए फिक्स किया जाता है, और ये बड़ा ही पॉइंटेड पार्ट होता है आगे का, ओके, जो काटने के लिए यूज़ किया जाता है। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज
प्रोडक्शन दैट इज इरिगेशन। बाकी और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गांव में, खेती बढ़ाने के लिए, वो थी सिंचाई, इरिगेशन। बहुत पहले जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो लोग जो है वो पानी के लिए पूरे तरीके से रेन पर ही डिपेंडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि फसल को एक स्पेसिफिक टाइम पे पानी चाहिए, तो उसके लिए फिर उन्होंने उसको इरीगेट करना शुरू किया। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। जिन राज्यों के बारे में आपने पढ़ा है, राजाओं के बारे में पढ़ा है, वो बिल्कुल भी फ्लरिश नहीं कर सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे, अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, अगर उन्हें जो हमारे गांव हैं उनका सपोर्ट ना मिलता। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खाने की चीज़ें सभी को चाहिए और वो गांव से ही आती है। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जबकि नए नए औजार आ रहे थे, और ट्रांसप्लांटेशन का, रोपाई का जिसको बोलते हैं, पहले एक जगह प्लांट को आपने उगा लिया फिर उनको निकाल के दूर दूर लगाना, उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा भी, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड, तो इस टाइम पर सिंचाई के भी अलग अलग जो साधन थे इरिगेशन के, वो भी यूज़ किए गए। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दीज टाइम्स इंक्लूड कैनल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इस टाइम पर जो कुछ इरिगेशन के लिए चीज़ें बनाई गई वो थी नहरें, आपकी कैनाल्स, वेल्स, कुएं, टैंक्स बनाए गए कुछ बड़े बड़े, और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई जिसमें पानी इकट्ठा होता होगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू लुक एट द चार्ट, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मैंशनड। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको अभी हम रीड भी करेंगे। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं इन चार स्टेप्स को यूज़ करके। लेबर प्रोवाइड कराई गई लोगों को, प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स भी बेनिफिट हुए क्रॉप प्रोडक्शन क्योंकि ज़्यादा सर्टेन होने लगा, फार्मर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया और अपना टैक्स दिया, किंग्स ने मनी दी और इरिगेशन प्लान दिया। ओके, शुरुआत कैसे हुई? किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, प्लेसेज एंड फोर्ट्स, अपने किले बनाने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, जो सेना रखने के लिए किंग्स को पैसे चाहिए थे। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, उन्होंने फार्मर से टैक्स वसूलना शुरू किया कि थोड़े पैसे तुम भी दो। अब फार्मर्स क्या है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो फार्मर्स को अगर टैक्स ज़्यादा देना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर आएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, ब्लैंक्स में फिल कर दीजिएगा। उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दिस इज़ पॉसिबल विद इरीगेशन। ये तभी हो सकता है जब इरीगेशन हो, टाइम पर फसल को पानी मिले। टाइम पर फसल को पानी मिलने के लिए किंग्स ने क्या किया, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। किंग ने पैसे दिए और प्लान कराया इरिगेशन वर्क, ये फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, गांव के लोगों ने खुद मतलब ज़्यादा मेहनत की, लेबर वो दिया, परिश्रम किया, मेहनत की, तो ये सिक्स नंबर पर आएगा ये वाला पॉइंट। प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ी, ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होने लगा, ज़्यादा फसल होने लगी, सो डज रेवेन्यू, तो पैसा भी बढ़ा और वो अब क्या करने लगे, टैक्स देने के लायक हो गए। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट, बिकॉज इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ क्योंकि प्रोडक्शन का जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो अब ज़्यादा सर्टेन थी कि हाँ इतना इसमें हो जाएगा। पहले सर्टेनिटी नहीं थी, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती थी, अगर बारिश हुई, बारिश नहीं हुई तो सारी फसल सूख गई, तो इससे फार्मर्स को भी फायदा हुआ। तो ये चार्ट है जिस तरीके से जो इरीगेशन है आपकी, ये धीरे धीरे आपके हमारे सीन में आती है एग्रीकल्चर के लिए। उन्होंने टैक्स मांगा तो उन्होंने कहा कि हमें इरिगेशन चाहिए, फसल को पानी नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से आपको टैक्स दे? तो राजा ने पैसे दिए कि ठीक है, नहर खुदवाओ, कुएं खुदवाओ ताकि लोगों को पानी मिल सके टाइम पे। उन्होंने और मेहनत की, इससे रेवेन्यू बढ़ा और फसल भी बढ़ी, चलिए फसल का प्रोडक्शन भी बढ़ा। हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब बात करते हैं गाँव में कौन रहते हैं, रहते थे। देर वर एटलीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो तीन टाइप के लोग हैं जो कि साउदर्न या नॉर्दर्न पार्ट में इसके रहा करते थे। इन द तमिल रीजन, तमिल रीजन यानी कि नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन, जो बड़े लैंड ओनर्स थे जिनके पास खूब सारी जमीन थी, जिनको कि वेल्लालार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ऑर्डिनरी प्लॉमैन, जो नॉर्मल हल चलाने वाले थे, हल वाले, वर नोन एज उजावर, जिनको उजावर के नाम से जाना जाता था। एंड लैंडलेस लेबर, कुछ ऐसी भी लेबर थी जिनके पास जमीन थी ही नहीं, इंक्लूडिंग स्लेव्स, जिनको स्लेव दास वर नोन एज, जिनको साउथ इंडिया में कडेसियार या फिर आदिमाई के नाम से जाना जाता था। ये तीन लोग रहते थे साउथ इंडिया की बात करें, सबसे पहले
जिनके पास बहुत सारी जमीन है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स जिनको विल्ला लार के नाम से जाना जाता था, ऑर्डिनरी आम जो किसान है, कम जमीन, अपने हल से उतनी खेती कर लेते हैं जितने में कि घर का काम चल जाए, इनको उजावर, और तीसरा जो लैंडलेस थे, खुद की जमीन नहीं थी, दूसरे की जमीन पे काम करते थे, स्लेव्स जिन्हें आप कहेंगे, और इनको कडेसियार या फिर आदिमाई के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न की, हमने साउदर्न में देखा, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वर नोन एज ग्राम भोजक। नॉर्दर्न इंडिया में जो गांव का हेड होता था उसको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन फॉर जनरेशंस। और ये जो ग्राम भोजक, ऐसा नहीं है कि गांव वाले चूज करते थे कि ये हेड होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए किसी के फादर ग्राम भोजक थे, अब उसका लड़का बनेगा, इस तरीके से ये चलता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट थी ये हेरिडेटरी थी, उसके अकॉर्डिंग आनुवंशिक थी, पहले मतलब एक ही फैमिली में चलती रहती थी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। और ग्राम भोजक होता था वो अक्सर सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था गाँव का, सबसे ज़्यादा ज़मीन उसके पास होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स, अक्सर उसके पास उसके स्लेव्स, काम करने वाले दास होते थे, एंड हायर्ड वर्कर्स, और कुछ काम करने वाले होते थे जो उसने हायर किए हुए हैं टू कल्टिवेट द लैंड, खुद की ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, एज ही वॉज पावरफुल, पावरफुल तो वो था ही, द किंग्स ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस। जो राजा था वो ग्राम भोजक को यूज करता था कि ठीक है तुम मेरे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करोगे गाँव वालों से। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिस मैन। एज अ जज, गाँव में कोई अगर झगड़ा हो गया उसका फैसला भी वही करता था जो उसने फैसला किया माना जाता था, और एज अ पुलिस मैन कई बार वो पनिशमेंट भी दे देता था लोगों को। यानी कि तीनों काम ग्राम भोजक के थे। नॉर्थ इंडिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थे विलेजेस में। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक के अलावा देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। कुछ ऐसे भी फार्मर्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, नोन एज गृहपति। तो ग्राम भोजक के अलावा जो कुछ छोटे किसान थे, जो जिनके पास दास वगैरह नहीं थे, अपने खुद इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, उनको गृहपति कहा जाता था। मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉल लैंड ओनर्स। इनमें से ज़्यादातर कुछ छोटे ज़मीन वाले, कम ज़मीन वाले थे, छोटे किसान थे। एंड देन देर वर मैन एंड वुमेन सच एज दास। और फिर इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कि दास कर्मकर, कर्मकार, दास कर्मकार कहा जाता था, हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अदर्स। और ये दूसरों के खेतों में काम करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स। और इसके अलावा कुछ और भी लोग थे गांव में, जैसे कि कुछ लोहार थे, कुम्हार, बढ़ई, या फिर कुछ वीवर्स, वीव करने वाले, बुनने वाले। ओके, तो ये हमने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के विलेजेस के बारे में पढ़ा। तीनों जगह, दोनों जगह तीन ही टाइप के लोग थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले, हालांकि नाम अलग अलग है, इंडिपेंडेंट जो खुद की ज़मीन पे काम करते थे, और तीसरा जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस जो लोग थे। ओके, द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, कुछ शुरू के तमिल कॉम्पोजिशंस, लिखी हुई चीज़ें, रचनाएं। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। शुरू के जो तमिल में जो लिखी गई है रचनाएं जो हैं, जिनको संगम लिटरेचर कहा जाता है, वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। इनको लगभग 2300 साल पहले लिखा गया है। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। इनको संगम इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड एज इन असेंबलीज, क्योंकि इनको असेंबलीज में बहुत सारे जो असेंबलीज ऑफ पोएट्स, जो पोएट्स की, कवियों की जो असेंबली होती थी, सम्मेलन जो होता था, उसमें बैठ के लिखा गया, तो इसलिए इनको संगम कहा गया, असेंबली को संगम कहा जाता है। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। मदुराई में ये संगम होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, लोग जाते थे, जितने भी पोएट्स हैं वहाँ पे ये लिखी जाती थी, तो इसलिए इनको संगम कहा जाता है। द तमिल टर्म मेंशन आर अबव फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो तमिल टर्म्स ऊपर हमने यूज़ की है कि किसानों को ये कहते थे, दास को ये कहते थे, ये एक्चुअली में हमें उन्हीं से ही मिले हैं, लिटरेचर में पढ़ के पता लगा है कि अच्छा ऐसा होता होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़। अब हम शहरों के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहानियाँ हैं, क्या कौन वहाँ पर ट्रैवलर्स रहे हैं, स्कल्पचर कैसा था, एंड आर्कियोलॉजी क्या है वहाँ की। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कलाएँ कैसी थी, और आर्कियोलॉजिस्ट क्या मतलब कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर मिली है। यू मे हैव हर्ड ऑफ जातक्स। आपने जातक कहानियों के बारे में तो पढ़ा होगा, बुद्ध वाले चैप्टर में हमने देखा था। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कम्पोज बाई ऑर्डिनरी पीपल। ऐसा माना जाता है कि जातक जो कहानियाँ हैं ये आम लोगों ने लिखी है, एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाई बुद्धिस्ट मॉन्क। और उसके बाद इनको लिख के प्रिजर्व करके रखा गया, संभाल के रखा गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा।
हेयर इज अ पार्ट ऑफ जातक स्टोरी, यहाँ पे आपको एक जातक कहानी दी भी हुई है, विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच, जिसमें लिखा गया है कि कैसे गरीब आदमी धीरे धीरे अमीर बन गया। और ये कहानी है द क्लेवर पुअर मैन, एक पुअर मैन जो कि बहुत क्लेवर है, बहुत चतुर है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी, एक क्लेवर पुअर यंग मैन था जो कि एक गांव में रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वॉज अ डेड रैट, उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, बस यही उसका अकेला रिसोर्स था। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर रैट कैट, तो उसने उस चूहे को एक सिक्के में, एक रुपए में, एक कॉइन में होटल वाले को सेल किया। होटल वाले के पास एक बिल्ली थी। देन वन डे, फिर एक दिन, देयर वॉज अ स्टॉर्म, आंधी आई बहुत तेज। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स, राजा का जो बगीचा था वो ब्रांचेस, पत्तों से और टहनियों से भर गया उसकी वजह से। एंड द गार्डनर वॉज एट लॉस एज टू हाउ टू क्लीन द मेस, और गार्डनर जो है वो बड़ा परेशान था, माली बहुत परेशान था कि कैसे इसको साफ किया जाए। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन, यंग मैन ने कहा कि मैं इसको साफ कर दूंगा इफ ही कुड कीप द वुडन लीव्स, तुम मुझे लकड़ियाँ और पत्ते दे देना। द गार्डनर एग्रीड एट वंस, माली जो है वो तुरंत मान गया कि ठीक है। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग, जो आदमी था उसने क्या किया, सब बच्चों को इकट्ठा किया जो वहां पर खेल रहे थे। विद एन ऑफर ऑफ स्वीट फॉर एवरी स्टिक, उन्होंने कहा कि एक डंडी अगर तुम चुनोगे तो उसके लिए तुम्हें एक मिठाई मिलेगी, स्वीट मिलेगी एंड लीफ, डंडियों के और लीफ के लिए, दैट दे कुड कलेक्ट, जितनी भी तुम इकट्ठा कर सकते हो उसके लिए तुम्हें एक एक क्या मिलेगी, मिठाई मिलेगी। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस, और बिना किसी टाइम लिए सभी बच्चों को अगर मिठाई मिलेगी तो फटाफट कलेक्ट करेंगे, बहुत ही जल्दी जितना भी स्क्रैप, जितना भी कूड़ा था वो बिल्कुल पाइल अप कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया उसके एंट्रेंस पर, गेट पर। जस्ट देन, उसके बाद, द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक फॉर द फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट्स, राजा का जो कुम्हार था, बर्तन पकाने वाला था, वो बर्तन पकाने के लिए, बेक करने के लिए फ्यूल ढूंढ रहा था कि कहीं से लकड़ी मिल जाए। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट, उसने वो सारा का सारा उससे वो ले लिया, जितना भी उसने इकट्ठा किया था वो जो पाइल है उसने खरीद लिया और उसके लिए उसको पैसे दे दिए। आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान, अब उसने एक और प्लान सोचा। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट, वो एक जार भर के पूरा पानी का शहर के गेट पे चला गया। ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स, और उसने 500 जो घास काटने वाले थे उनको पानी पिलाया। दे वर प्लीज्ड एंड सेड, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, You have done us a good turn, तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया है। Tell us what can we do for you, हमें बताओ कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। He replied, उसने कहा, I'll let you know when I need your help, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारी हेल्प की तो मैं तुम्हें बता दूंगा। He then made friends with a trader, फिर उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। One day the trader told him, एक दिन उस व्यापारी ने उससे कहा, Tomorrow a horse dealer is coming to the town with 500 horses, 500 घोड़ों के साथ कल एक व्यापारी, एक डीलर यहाँ पे आ रहा है। हियरिंग दिस द यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स, ये सुन के वो ग्रास कटर के पास गया। ही सेड, वो कहता है, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, तुम सभी 500 के 500 जो लोगों को पानी पिलाया था मुझे एक एक बंडल दे दो घास का। एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड, जब तक मेरा घास ना बिक जाए तब तक अपना घास मत बेचना। दे अग्रीड, बेचना, वो अग्री हो गए एंड गिव हिम 500 बंडल ऑफ ग्रास, उन्होंने 500 उसको ग्रास के वो दे दिए। वेन द होर्स डीलर कुड नॉट बाई ग्रास एनी वेयर, जब होर्स डीलर को कहीं और घास मिला ही नहीं, ही परचेज द यंग मैन ग्रास फॉर 1,000 coins, उसने 1,000 सिक्के देकर उसकी सारी घास जो है वो खरीद ली। तो ये कहानी थी उसकी कि किस तरीके से वो एडजस्टमेंट कर लेता था यहाँ से वहाँ से करके। लिस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन मेंशन इन द स्टोरी, अब ये जो कहानी है इससे बहुत पहले लिखी गई है जातक में, तो इससे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कहानी पढ़ी और उनको कहीं ना कहीं ये भी पता लगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस उस टाइम लोगों के थे। पॉटर्स थे वहाँ पर, गार्डनर्स भी थे, और आपके ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, ग्रास कटर्स थे, तो पता लगता है कि ये सब भी ऑक्यूपेशंस उस टाइम पर होते थे। फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे कुड हैव लिव्ड वंस इन द ओनली इन द सिटी ओनली इन विलेजेस इन बोथ सिटी एंड विलेजेस, पॉटर कहाँ पर रहता होगा, पॉटर आई थिंक विलेज में रहता होगा, ग्रास कटर राजा के जो गार्डन का है वो शहर में रहता होगा क्योंकि गांव में तो ग्रास वैसे भी जो जानवर है वो खा लेते हैं, ग्रास कटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और राजा क्योंकि शहर में रहता है तो उसके गार्डन के लिए शहर में ही ग्रास कटर होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें ट्रेडर्स की,
ये शहर में रहते होंगे. देन हु एल्स वॉज इन द पिक्चर, कौन था हमारा और इसमें, गार्डनर हो गया बस, ठीक है ओके. होटल्स भी थे, ये कहानी पढ़ के हमें पता लगता है कि उस टाइम पे होटल्स भी हुआ करते थे जो शायद शहर में होते होंगे. व्हाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी, हॉर्स डीलर शहर में क्यों आ रहा था, शायद से राजा को घोड़े बेचने के लिए आ रहा होगा क्योंकि हॉर्सेस की जरूरत उस टाइम पड़ती थी वॉर्स वगैरह में. डू यू थिंक वुमेन कुड हैव टेकन अप ऑक्यूपेशन मेंशन इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कोई ऑक्यूपेशन वुमेन टेकअप कर सकती है कहानी में? बिल्कुल अपना सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी. जो काम मेन कर सकते हैं इक्वली वुमेन भी कर सकती है. ओके सो दैट्स ऑल फॉर नाउ आई थिंक. नहीं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको आगे. वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ द अर्ली सिटीज. और भी जब तक स्टोरीज के अलावा और भी कुछ चीज़ें हमें मिलती है जिससे पता लगता है कि उस टाइम पे शहरी लाइफ जो है वो कैसी थी. स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लिव्स इन लाइव्स इन टाउन एंड विलेजेस. कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, कुछ मूर्तियां उस टाइम की बनी हुई है जो कि डिपिक्ट करती है, और उस मूर्तियों में कुछ सीन है जिससे पता लगता है कि गांव में और शहरों में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, एज वेल एज इन द फॉरेस्ट और जंगल में भी, क्योंकि कुछ लोग जंगल में भी रहते हैं. मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स पिलर्स एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग दैट वर विजिटेड बाई पीपल. जब लोग विजिट करने जाते हैं तो ये कुछ जो मूर्तियाँ हैं जो उस टाइम मूर्तिकारों ने बनाई होगी वो रेलिंग के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, गेट के ऊपर, बिल्डिंग्स के बना देते थे उस टाइम पर जो स्कल्पचर्स होते थे. लेकिन स्कल्पचर को आइडिया कहाँ से मिलेगा, उन्होंने ऐसी लाइफ देखी होगी तभी तो मिलेगा ना. तो यानी कि इससे पता लगता है कि लोगों की लाइफ किस तरीके की थी उस टाइम पर. जैसे यहाँ पर ये स्कल्पचर आपको दिखाया भी हुआ है, एक ये सिटीज़ में लाइफ के बारे में आपको दिखाया हुआ है. सांची जो MP में है वहाँ का ये स्तूप का एक पिक्चर आपको बताई हुई है. तो देखिए रथ है, हॉर्सेस भी है, तो यानी कि ये लोग हैं जो हॉर्स के ऊपर पीछे रथ में बैठ कर जा रहे हैं. देन यहाँ पर कुछ डिस्कशन चल रहा है. ओके, तो इस तरीके से इनको देख के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करते हैं कि लाइफ कैसी होगी लोगों की शहरों में और गांव में उस टाइम पर. ये एक रिंग वेल है. चलिए, मैनी ऑफ दी सिटीज दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद दैट यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 5. ज़्यादातर जो शहर थे जो 2500 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं वो कैपिटल्स थे महाजनपद के. जो कैपिटल सिटीज़ होती थी जहाँ पर किंग रहते थे वो शहर बन जाते थे, ऑब्वियसली डेवलप हो जाते थे ज़्यादा. तो मोस्टली इनमें से कैपिटल्स थी महाजनपद, जिनके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा भी है. एज वी हैड सीन, जैसा कि हमने देखा, सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाई मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स. ज़्यादातर जो इनमें से शहर थे उनके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी, उनसे घिरे होते थे, फोर्टिफाइड होते थे ये, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि कहीं से भी एंटर कर जाए दुश्मन का कोई, वो नुकसान पहुंचा दे किसी चीज़ को. इन मैनी सिटीज़, कई शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अदर. कई जगहों पे ऐसा भी मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को कि बहुत सारे पॉट्स, बर्तन रखे हुए एक के ऊपर एक करके रिंग्स बना के ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये रखे हुए ना प्लेट्स जैसे ये रखे हुए हैं एक के ऊपर एक करके. And these are known as ring wells. इनको ring well कहा जाता था. These seems to have used as toilet in some cases. इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको as toilets use किया जाता होगा. And as drain and garbage dump, या फिर drain करने के लिए या फिर garbage dump करने के लिए, कूड़ा फेंकने के लिए. These rings well are usually found in individual houses. और सभी घरों में ये drain wells, ये जो ring well है ये मिलते थे. कुछ भी अगर वो हो गया, ख़राब हो गई चीज़ इनमें डाल दो इस तरीके से. वी हैव, इनमें पानी नहीं होता था इन वेल्स में. वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. हालांकि आम लोगों के जो घर है, मार्केट है, जगह जहाँ पर वो रहते थे, उनके हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है ज़्यादा. मुश्किल से कुछ चीज़ें बची है. परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिस्ट. हो सकता है अभी कुछ चीज़ें और डिस्कवर करनी बची हो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. Others made of wood, mud, brick and thatch may not have been survived. बाकी क्योंकि आम लोगों के घर थे, राजाओं की तरह पत्थरों के नहीं बने थे कि सर्वाइव कर जाए अभी तक. बड़े बड़े किले नहीं थे, लकड़ी के बने होंगे, मिट्टी की ईंटों के बने होंगे, या फिर जो आपके थैच होते हैं छप्पर जैसे बने होंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टिक नहीं पाए और वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए. तो इसलिए आम लोगों की ज़िंदगी कैसी थी उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं लगता है इस टाइम के अराउंड. Another way of finding out about early cities is from the account of sailors. बाकी जो कुछ चीज़ें हमें पता लगती है शहरों के बारे में वो पता लगता है sailors
या फिर ट्रैवलर्स जो यहाँ पर आए और फिर उन्होंने अपने वहाँ जाकर लिखा, जैसे कि हमने लास्ट उसमें इब्न बतूता के बारे में पढ़ा भी था। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वॉज बाई द अननोन ग्रीक सेलर। एक जो सबसे काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट हमें मिलती है, बहुत डिटेल जानकारी मिलती है इस टाइम के बारे में इंडिया में, वो एक ग्रीक सेलर ने लिखी है जो ग्रीक से आया था लेकिन उसका नाम नहीं पता, अननोन है। ही डिस्क्राइब ऑल द पॉट्स ही विजिट, जितने भी पॉट उसने विजिट किए उन सब के बारे में उसने लिखा है। पॉट्स वो होते हैं जहाँ पर कि आपके शिप आके रुकते हैं। फाइंड बरूच ऑन मैप 7 एंड रीड हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी। बरूच ढूंढिए कहाँ पर है, उसके डिस्क्रिप्शन देखिए कैसे उसने डिस्क्राइब किया है बरूच को। द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा, बैरी गाजा बारूच का ग्रीक नाम है। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरी गाजा, बैरी गाजा में जो गल्फ है वो बहुत नैरो है, बहुत संकरा है, बहुत पतला है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो समुद्र से लोग आते हैं उनके लिए उसमें नेविगेट कर पाना, नाव चला पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी पतला है, काफ़ी कम पानी है उसमें। शिप्स हैड टू बी स्टीड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग्स। राजा ने कुछ अपने स्किल्ड कुछ फिशरमैन रखे हुए हैं वहाँ पर, वही उन जहाज को अंदर तक ले जा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट इन टू बैरीगाजा वर वाइन, बैरीगाजा में वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तांबा, शराब, टिन, सीसा, एंड देन कोरल्स, आपके टोपाज जो हैं, चांदी, सोना, ये सब चीज़ें, इनके सिक्के। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूड प्लांट फ्रॉम हिमालयाज, यहाँ से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर भेजते हैं वो है हिमालय से जो प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ आती है, आइवरी, हाथी के दांत जो है, एगेट, गोमेट जो होता है, एंड कार्नीलियन, कॉटन, सूती कपड़ा, रेशम, सिल्क, परफ्यूम्स, इत्र जो है वो यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। स्पेशल गिफ्ट्स फॉर बॉट बाय मर्चेंट्स, मर्चेंट्स अपने साथ, व्यापारी अपने साथ स्पेशल गिफ्ट लाते हैं राजा के लिए, उसमें होता है वेसल्स ऑफ सिल्वर, चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज, गाना गाने वाले कुछ बॉयज, ब्यूटिफुल वुमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, ये कुछ चीज़ें जो बाहर से लोग लेके आते हैं। ओके, तो ये उन्होंने मेंशन किया। इससे भी जब बाहर की भी कई चीज़ें हम पढ़ते हैं जो लोगों ने लिखी है, तो उससे भी आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा आइडिया ज़रूर होता है कि कैसी लाइफ यहाँ पर रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।